नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। हमीरपुर जिले के प्रत्येक गांव में आज के दिन सुबह से ही दिवाली नृत्य का कार्यक्रम हर नगर गांव में किया जाता है। ये परंपरा सदियों पुरानी है। संपूर्ण जिले में गोवर्धन पूजा के बाद अनेक घरों से बालक गाय पूजन करके मौन धारण करते हैं। इन्हें समाज में मौनिया कहा जाता है। मौनिया दिन में कई नजदीकी तीर्थ स्थानों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। साथ ही देर शाम होमन पूजन करके मौन व्रत पूर्ण होता है और सभी अपने घरों में दीपक जलाकर जश्न मनाते हैं। ये दीपावली में बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण पर्व है। जिला संवाददाता शिव बालक अनुरागी। ये हमारी सनातन परंपरा है हिंदू धर्म की, और जो पिछले 7-8 सालों में जो पतन हुआ हिंदू धर्म का, इसका उत्थान अब मोदी सरकार आने के बाद हुआ है। और हमारे देश में जो संप्रदायवाद का एक जहर फैल रखा था, उसमें अभी अब धीरे धीरे जो है सुधार हो रहा है, और हिंदू बड़े उत्साह के साथ ही पर्व मना रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान राम जब 14 साल का वनवास काट करके और वापस अयोध्या आए थे, तो उसकी खुशी में उन्होंने जो दिया जला करके उत्साह अपना और प्रसन्नता जाहिर की थी, और वही परंपरा आज तक हमारी चली आ रही है 5000 वर्ष से। और ये जो अब उत्साह जनता के बीच में देखा जा रहा है, ये एक अद्भुत बात है। ऐसा महसूस, ऐसा उत्साह, ऐसा उमंग कभी नहीं देखने को मिला, जो आज हमारे जो है सनातन धर्म का इस दिवाली पर्व में इतना उत्साह मंदिरों में जो है उत्साह है लोगों के पास जो है देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात है। मौनिया निकालने की क्या परंपरा है? ये परंपरा जो मौनिया निकालने की परंपरा है, ये भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। ये एक त्याग की भावना कि हम इस जीवन में सा शरीर क्या त्याग कर सकते हैं जो परमात्मा के लिए, जो ईश्वर के लिए, जो आध्यात्म के लिए। तो उन्होंने मौन धारण करने के लिए, हम सबको भी मौन धारण करना चाहिए कभी कभी, तो ये एक दिन के लिए मौन धारण करके और पूरे एरिया में उन्होंने अपने धर्म के विकास के लिए और एक सद्भावना को बढ़ाने के लिए, मेलजोल को बढ़ाने के लिए ये परंपरा थी, जो मोर अपने सिर में लगाते थे, मोर मुकुट।